आखिरी क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर क्या क्या लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स जीरो, टॉर्क कितना लगेगा, जो पी क्रॉसी, ठीक बात, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो, अगर डाइपोल को मान लो, देखो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ, अब इसमें जो लिखा हुआ उसको पढ़ो, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो बताओ किसको ज़्यादा फील्ड मिल रहा है, प्लस क्यू को कि माइनस क्यू को, प्लस क्यू को, तो उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और माइनस क्यू को मिल रहा है कम फील्ड, उसकी लोकेशन पे फील्ड मैंने E2 माना है, E1 बड़ा है और E2 छोटा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। राइट साइड में जा रहे हैं तो फील्ड बढ़ता जा रहा है हमारा, सही है, तो जाहिर सी बात है इस पर कम फोर्स लगेगा, इस पर कम लगेगा और इस पर ज़्यादा लगेगा, तो नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा डाइपोल पे, लगेगा, किस तरफ लगेगा, राइट की तरफ की लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, ये कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्शन हमेशा राइट की तरफ ही लगेगा। अच्छा, इसी को टेढ़ा करके छोड़ देते ऐसे तो टॉर्क भी लगता, ऐसा थोड़ी टॉर्क नहीं लगता, मान लीजिए डाइपोल को मैं थोड़ा टेढ़ा करके छोड़ देता हूँ ऐसे, ऐसे छोड़ देता मैं, अच्छा, तो भी ये फोर्सेस ऐसे ही लगते, ज्यादा या कम होते लेकिन डायरेक्शन तो ऐसे ही लगता ना, इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होता, होता कि नहीं होता, इस पे कम फोर्स लगता लेकिन डायरेक्शन इधर होता, हाँ या ना, तो भी इस पे नेट फोर्स भी लगता और नेट टॉर्क भी लगता, लेकिन अभी जो सीधा करके रखा हुआ बिल्कुल फील्ड के पैरेलल उसमें टॉर्क नहीं लग रहा, ये पीला वाला जो लाइन मैंने बनाया इसमें हमारा टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क लगेगा हमारा क्लॉकवाइज, बोले लगेगा नहीं लगेगा, टॉर्क हमारा लगेगा क्लॉकवाइज और फोर्स भी लगेगा राइट की तरफ, लेकिन अगर बिल्कुल सीधा डाइपोल ई की तरफ करके छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स लगेगा लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा। दूसरा डायग्राम ये देखिए, पिछले वाले और इसमें क्या अंतर है, उल्टा रख दिया है खाली बस, तो इस पर ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, नेगेटिव माइनस क्यू पे, क्योंकि उधर फील्ड ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है, हाँ। लेकिन वो फोर्स लगेगा किधर, फील्ड के अपोजिट, तो नेट नेट फोर्स किस पे लगेगा, किधर लगेगा इस बार, नेट फोर्स एफ2 पे, लेफ्ट की तरफ लगेगा कि राइट की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो ये जरूरी नहीं कि फील्ड की तरफ ही फोर्स लगेगा। तो अब इतनी बातें पढ़ के हमने क्या सीखा, इतनी बातें पढ़ के हमने कुछ चीजें सीखी, सबसे पहले हमने ये सीखा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है, तो ये जो दो केस हमने पढ़ा इसमें डाइपोल के ऊपर फोर्स तो था किंतु टॉर्क की वैल्यू क्या थी बताइए, जीरो, तो मतलब हमने ये पढ़ा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो, टॉर्क जीरो भी हो सकता है, उधर भी टॉर्क जीरो हो सकता था, जब पी क्रॉस ई जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी नेट टॉर्क आपका जीरो है, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो टॉर्क जीरो हो सकता है, टॉर्क जीरो होने के लिए कंडीशन बस यही है कि आपका आर और एफ जो होना चाहिए पैरेलल हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं, बट ये ऑब्वियसली कि मत चले गए हैं, टॉर्क हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। मान लीजिए फील्ड जो है वो राइट की तरफ इंक्रीज कर रहा है और तब हम अपने डाइपोल को ऐसे टेढ़ा रखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव वाला चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव वाला चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ज्यादा, लगेगा ना, क्यों ज्यादा लगेगा पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ फोर्स, क्योंकि वो जहां रखा हुआ वहां फील्ड ज्यादा है, क्योंकि राइटवर्ड है थोड़ा, और नेगेटिव वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कम, तो छोटा वेक्टर बनाते हैं, ठीक। लेकिन इसको ऐसे टेबल पे रख के किसी पेन को घुमाएंगे, अगर दोनों तरफ से इस तरह फोर्स लगाए तो इस तरह से रोटेट भी करेगा ना ये, तो इसका मतलब यहाँ खाली फोर्स ही नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, टॉर्क भी लगेगा, तो यहाँ नेट टॉर्क भी लग रहा है जो कि क्लॉकवाइज है,
और यहाँ नेट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, तीनों केस में अभी तक हमने देख लिया, हर केस में नेट फोर्स लग रहा है हमारा। नेट फोर्स किधर लग रहा है हमारा? राइट की तरफ लग रहा है ना? अच्छा डाइपोल इस तरफ है ना कि? इस तरफ का डाइपोल तो बना हुआ है तुम्हारे सामने, पर्पल कलर का जो बना हुआ वही डाइपोल है। ये जो पर्पल कलर का बना हुआ है यही डाइपोल है, ये डाइपोल की डाइपोल मोमेंट है। इस बार टेढ़ा करके रखा है हमने, तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, नेट टॉर्क भी जीरो नहीं है, दोनों ही लग सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कंपलसरी जीरो होता था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो अब बताइए आपने क्या सीखा? अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा वहाँ मे बी और मस्ट बी में आंसर दीजिएगा, ठीक है? इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पहला बताइए, ए मस्ट बी जीरो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म नॉन लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स के बारे में क्या विचार है? एफ नेट सुन लो पहले, उसके बाद जवाब देना। मस्ट बी जीरो, मे बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, क्या लिखे हैं आपको बताओ? मे बी जीरो। कौन सा ऐसा केस दिखा जिसमें तुमको फोर्स जीरो दिख गया, बताओ मेरे को जरा? नॉन यूनिफॉर्म में तो नहीं दिखा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स के बारे में क्या सीखा तुमने? लगेगा ही कि लग भी सकता है, क्या लगेगा ही, तो क्या लिखना होगा इंग्लिश में? मस्ट नॉट। सर ने बोला ना अभी कि किस केस में देखा तुमने कि मस्ट नॉट बी जीरो, टॉर्क नेट मे बी जीरो, मे बी जीरो, बस इतना ही सिखाना था। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यही होता है। व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ है, लिखना चाहेंगे कि लिखेंगे बाद में? लिखवाया हुआ है तो पढ़ भी सकते हैं आगे, मेरे ख्याल से लिखवाया हुआ है। अगर चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, थिन वायर पे, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें लैम्डा डिफाइन करते हैं, लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसमें हम यूनिट लिखते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है, जिसको चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया बोलते हैं, इसका वैल्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस होगा। और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिफाइंड होता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वॉल्यूम में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक? वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये लिखा तो हुआ, स्पेलिंग गलत है ना? वॉल्यूम, और इसमें हम रो डिफाइन करते हैं डी क्यू बाई डी वी से, यूनिट होती है कूलम पर मीटर। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग 2 कूलम ऑफ चार्ज इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर। टोटल चार्ज दे दिया, टोटल वॉल्यूम दे दिया, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट के वजह से निकालना है पी डिस्टेंस पे फील्ड, और बहुत छोटा एलिमेंट जो है उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर की। अब उसका चार्ज क्या होगा आप खुद समझ लीजिए, कैसे निकालेंगे खुद समझिए, बताइए आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसका हमने निकाला है रो, हाँ निकाला, 2 कूलम पर मीटर क्यूब, उसके बाद रो को मल्टीप्लाई किया इसके वॉल्यूम से, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा मीटर क्यूब? 10^-6, तो ये आ गया 2 × 10^-6, और के क्यूब बाई आर स्क्वायर लगाया मैंने, तो कितने डिस्टेंस पे निकालना? खोलने 10 मीटर पे, क्या क्यूब क्यूब इसमें रो भी हो जाएगा ना? अरे तो कर दिया ना मैंने, ये चार्ज ही तो पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो मैंने एक्स्ट्रा सही आ गया, सही है। अरे आया समझ में क्या किया गया है? हैं? पहले छोटा सा चार्ज निकालो, चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लो, एलिमेंटल चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है। चलिए गॉस लॉ पहले समझिए क्या होता है। गॉस लॉ डिफाइन किया जाता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, आड़ा तिरछा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, वास्तविक हो, काल्पनिक हो, जैसा मर्जी वैसा हो, लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए।
क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. उसके अंदर जितना चार्ज बंद होगा चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर. यही कहता है गॉस लॉ. फ्लक्स का मतलब ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन. ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करना है क्लोज्ड सरफेस के लिए. जो यहाँ पे गोल बना हुआ है इस गोल का मतलब इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस होता है. तो ये गॉस लॉ की डेफिनेशन है. इससे जरूरी और भी बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे अभी. ठीक. नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एस. नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एस. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द इंटायर सरफेस एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये है गॉस लॉ की डेफिनेशन. ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखिए. अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में चार्ज एनक्लोज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके उसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा. इसका मतलब ये नहीं कि उसके आजू बाजू फील्ड नहीं होगा, फ्लक्स जीरो होगा. अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ. ठीक, ये स्कूल में आ सकता है. तो ये पॉइंट चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस ऐसी होती है, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे. गॉसियन सरफेस का मतलब क्या हुआ, जिस जिसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. तो मान लिया कि ये चार्ज एक स्फीयर के सेंटर पे है. ठीक, अब इस पूरे स्फीयर के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे. हम प्रूव करेंगे कि वो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा. ठीक है, तो इसके लिए पहले हम स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं ds. अब ds का एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा और फील्ड की दिशा भी रेडियली आउटवर्ड होगी. तो E और ds के बीच में जो कोण बनता है थीटा, यहाँ पे वो कितना बन गया बताइए. व्हाट इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर, दैट इज इक्वल टू जीरो डिग्री. बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा. तो इस छोटे से हिस्से से जो फ्लक्स होगा d phi वो कितना हो जाएगा, E ds cos 0 यानी E ds हो जाएगा. अब E की वैल्यू कितनी होगी, तो r डिस्टेंस पे E की वैल्यू हो जाएगी kq by r square. तो E का वैल्यू डाल दिया गया है kq by r square. तो d phi की वैल्यू आ गई q ds by 4 pi r, मतलब E की वैल्यू डालने के बाद ये आ जाएगा. अब इंटीग्रेट करने का टाइम आएगा. तो इंटीग्रेट करने से पहले ये पूरा का पूरा ई बाहर निकाल लेंगे हम लोग. ई क्यों बाहर निकाल लिए, इसके पीछे क्या वजह है, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ई को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, इस बात को समझना है. जब हम नेट फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ई को बाहर निकाल लेंगे. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बताइए ई को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, जल्दी बताइए. इस सरफेस पे कहीं भी फील्ड निकालेंगे, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, इन सब पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, चार्ज क्यू ही रहेगा और डिस्टेंस आर ही रहेगा, कांस्टेंट ही सारी वैल्यू. तो ई की वैल्यू पूरे सरफेस के लिए हर जगह कांस्टेंट आएगी, इसलिए बाहर निकाला उसको. मतलब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इसका भी प्रमाण लिखना पड़ेगा मुझे. नहीं, समझ आ गया, वो दिख रहा है. कांस्टेंट बोला सर, कांस्टेंट वो सब पे सारे पोजीशन पे जाएगा. क्योंकि एज आर इज सेम, क्योंकि सरफेस पे कहीं जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, इसलिए ई हर जगह क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा वैल्यू में, इसलिए ई को बाहर निकाल लिया. अब ds का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ds, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 pi r square. तो कट के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया. लिखिए प्रूफ.